प्रदेश में जहां मुख्य पार्टियों में मुकाबला हो रहा है, वहीं कई क्षेत्रों में टिकट कटने के बाद आजाद उम्मीदवार भी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट कटने के बाद अब आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे ललित नागर का अब जनता हर जगह पर भव्य स्वागत कर रही है और जनता खुद कह रही है कि ललित नागर के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है, इसलिए वह सब उनके साथ हैं और उन्हें जितवा कर भेजेंगे। वहीं ललित नागर ने कहा कि वह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता उनका चुनाव लड़ रही है। ललित नागर आज बदरोला गांव में अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। देखिए, ये जनता जनार्दन का प्यार है। जनता जनार्दन मुझे उत्साह दे रहे हैं। हमारे 84 की जनता ने जिस दिन नॉमिनेशन मैंने भरा था, जनता जनार्दन ने पंचायती उम्मीदवार के रूप में मुझे खड़ा किया था। आज ये जनता जनार्दन अपना फर्ज पूरा कर रही है। ललित नागर की पीठ पे अपना हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख के आज सब आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा भी उत्साह जब भी बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे क्षेत्र की जनता की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैं जहां भी जा रहा हूं, ये अपनी मेहनत से, अपने गाड़ियों से इतनी गर्मी में भागते हैं, दौड़ते हैं और बड़ी बड़ी मीटिंग हमारी चल रही है। आप देखेंगे तो ये चुनाव ललित नागर नहीं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। क्योंकि वो अपने मुख से कहते हैं, मुख्यमंत्री की रैली में उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मेरी जय नहीं मानता, मेरी एसडीओ नहीं सुनता, मेरा एक्शन फोन नहीं उठाता, मंत्री मुझे काम नहीं करने देता। तो मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहे हैं कि मैं कमजोर हूँ और कमजोरी 5 वर्ष में उन्होंने दिखाई भी है। ये क्षेत्र की जनता भी कह रही है। दूसरी बात, महिलाओं के उन्होंने सम्मान में कितना अपमान किया है, कहा कि ललित नागर रोता है और ललित नागर औरतों की तरह रोता है, जैसे औरत कमजोर होती है इस तरह से रोता है। मैं कहना चाहता हूँ, औरत कहाँ कमजोर है? जिस औरत ने हमें जन्म दिया वो हमारी माँ, वो क्या कमजोर है? जिस बहन ने हमारी राखी बांधती है, हमारी लंबी आयु की कामना करती है, वो बहन हमारी कमजोर है? लक्ष्मी बाई जैसी जिन्होंने युद्ध लड़े, क्या वो कमजोर है? और सैकड़ों एग्जाम्पल है। ये सृष्टि उस जगत जननी महिलाओं की वजह से ही चल रही है। आज अगर कोई उनको कमजोर बता रहा है तो ये उनके संस्कार के खिलाफ है। देखिए, ये तो अभी पता नहीं लगा ऐसी क्या वजह हुई, लेकिन धोखे से, छल से, कपट से वो खुद कहते हैं हम धन दे के टिकट लेके आए हैं। ले आए टिकट को अपनी जेब में धर के पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। कहीं बैठने का ठिकाना भी नहीं है, कोई बिठाने को तैयार नहीं है। जनता जनार्दन कहती है कि धोखा हुआ है, गलत काम किया है उन्होंने, तो उस गलत काम का नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद आए थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तो आने वाले समय अगर कांग्रेस ही आती तो क्या समर्थन देंगे? देखिए, मैं स्पीच में भी कह चुका और ऐसा अक्सर होता है, निर्दलीय विधायक सत्ता पक्ष के साथ जाता है। जो निर्दलीय आजाद विधायक जीतते हैं, जिसकी सत्ता आती है, अगर वो सम्मान पूर्वक हमें बुलाएंगे और हमारी जरूरत महसूस करेंगे तो हम निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस आए या भाजपा आए, कोई सा भी दल आ सकता है। लेकिन इतना शर्त हम जरूर रखेंगे, क्षेत्र की जनता बड़ी उम्मीद के साथ मुझे जिता रही है। क्षेत्र की जनता मेरे से बड़ी उम्मीद रख रही है कि विकास कार्य हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, ऐसा हम सोचते हैं कि जो सत्ता पक्ष हमारे ये काम करेगा उनको हम समर्थन देंगे। 84 के लिए और छत्तीस बिरादरी के लिए क्या संदेश देंगे? धन्य है ये 84 जो अपने बेटे के ऊपर इतना आशीर्वाद कर रहे हैं। मैं तो पार्टी ने सड़क पे चौराहे पे खड़ा कर दिया था, मेरी 84 के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने
अपने हाथों पे बिठा लिया और आज मेरी मदद कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे तन में सांसें हैं मैं अपनी 84 की सेवा करता रहूंगा, इन्हें कभी धोखा नहीं होने दूंगा। भाजपा का संकल्प पत्र जारी हो गया, कांग्रेस का भी संकल्प पत्र जारी हो गया, दलित नगर का संकल्प पत्र क्या रहे? भाजपा का संकल्प झूठा पत्र है, कांग्रेस का भी झूठा पत्र है, ललित नागर का तो एक ही संकल्प है, चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में केवल और केवल तिगांव विधानसभा क्षेत्र गूंजेगा, केवल तिगांव विधानसभा क्षेत्र। वहीं इस मौके पर जब गांव की स्थानीय जनता से बात की गई तो जनता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काटकर धोखा दिया है, इसलिए वह उन्हें हर हाल में जितवाकर भेजेंगे और क्षेत्र की जनता उनके साथ खड़ी है। नहीं, मेरा विनोद है, मैं यही भद्रोला का रहने वाला हूँ, यहाँ से 100% समर्थन। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ किया, क्या कहना चाहिए? वो बहुत दगाबाजी की उनके साथ, लेकिन हम ललित भाई के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं। ललित भाई के साथ क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं? उम्मीदें हमारी सारी खरी उतरेंगी और ललित भाई ने पहले भी काम किया और आगे भी करेंगे। सर क्या नाम है? सोन नागर जी। इधर से नीम कैसे जी? ललित नागर। ये ललित जी के साथ जो धोखा हुआ है उसका जनता जवाब देगी है, जनता ने कसम खा ली ललित नागर को विधानसभा में पहुँचाने की। कोई टक्कर नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है, कोई टक्कर नहीं है, ये बता देंगे। क्या नाम है? नाम सचिन गौम मधरोला। क्षेत्र के युवा है, क्या उम्मीदें लगाई है ललित नागर से? ललित नागर से सारी उम्मीद है, ललित नागर ही जीतेगा, गांव से 100% ललित नागर को वोट जा रही है सारे। 100% कहना ये जी, एक बार पहले बनायो, बीच में थोड़ा सा होगा, फिर बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, ललित नागर जीतो पड़ो, कोई यही ना वोट डालेगा, कोई यही ना, कोई भी ना, चंडीगढ़ पहुंचाएंगे, मंत्री पद दिलाएंगे। कांग्रेस को प्रत्याशी यार पालक में टिकट दे के 2-3 हजार वोट ले गो, क्या दे दी बताओ ना, कांग्रेस पागल हो रही है ना, युवा कहा बड़े बूढ़े, हाँ जिता है के हमारा बाबा पूरी सपोर्ट में लग रहे हैं, सब सपोर्ट है जी।